हेलो फ्रेंड्स, आज कंपाउंड टेस्ट टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 7th, 8th सीबीएसई सिलेबस, आईसीएसई सिलेबस, सभी के लिए टॉपिक सेम ही है। चलिए हमने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, वैभव डिपॉजिट रुपीज 7500 इन अ बैंक व्हिच पे हिम 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वार्टरली वाला केस है। व्हाट अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 9 मंथ्स, तो 9 महीने बाद उसे क्वार्टरली कंपाउंडेड के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा। कुछ कंसेप्ट देखते हैं कि जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है, सम ऑफ मनी जो दिया जाता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पर 7500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12%। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है जिसको यहाँ अभी से ही डिनोट करेंगे, ये है 9 months, क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्वार्टरली के हिसाब से, तब इसे एंड लेंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट का है क्या है इस क्वार्टरली का, उस पर ध्यान दें। क्वार्टर का मतलब होता है, क्योंकि एक साल के लिए हम देखते हैं तो एक साल में 4 quarters होते हैं और हर क्वार्टर 3 months का डेट करता है। ठीक है, तो 4 quarters का मतलब है कि आप रेट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, रेट हो गया आपका 3% और ब्रैकेट में डालिए क्वार्टरली। क्वार्टरली और टाइम पर क्या असर डालेगा ये, क्योंकि एक साल में 4 quarters होते हैं। ठीक है, क्योंकि साल 12 months का होता है तो 4 quarters होते हैं और हर क्वार्टर 3 months का होता है, तो 3 महीने के हिसाब से 9 months में 3 महीने कितनी बार आएंगे, 3 महीने फिर 3 महीने और फिर 3 महीने। जब 3 महीने 3 बार आएंगे तो 9 months हो जाएगा, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वार्टरली वाले केस के लिए रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम के लिए चेक करते हैं कि गिवन टाइम में इसे 9 months दिया हुआ है तो 9 months में 3 महीने कितनी कितनी बार आएंगे, तो किसी बात 3 बार आएंगे तो एन 3 हो गया। अब अमाउंट फाइंड करते हैं, अमाउंट इज डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला होता है टी 1+R/100 की पावर n, तो वो वैल्यू इंसर्ट करते हैं यहाँ पर 7500 1+3/100 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो 7500 मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कीजिए, 100 + 3 = 103/100 की पावर 3। अब ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा 8195.45। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने वाला पार्ट है, मेन जो कंसेप्ट है क्वार्टरली का वो आपको क्लियर होना चाहिए। और मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होता तो कुछ नहीं करना था मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आया है 8195.45 माइनस माई प्रिंसिपल 7500। तो अब ये माइनस कर देंगे हम, देखिए कितना आएगा 59 और ये आएगा 695.45। तो ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।